हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं मैटिक के बारे में। मैटिक आपका वन ऑफ द फेवरेट कॉइन्स है, जिसके बारे में आप डिस्कस करते रहते हैं और टाइम टू टाइम चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं किया तो ज़रूर जाके करिए। मैं यहाँ पर गिव अवे प्लान कर रहा हूँ ट्रॉन में, एंड कुछ भी रैंडम लोगों को मैं ट्रॉन दूंगा। ऑफकोर्स जब तक कुछ फ़ंड मैंने अलग रखा है गिव अवे के लिए, तो वो फ़ंड जब तक ख़त्म नहीं होता तो मैं उसमें गिव अवे करूंगा। आपको करना है कि आपको ट्विटर पे जाकर फॉलो करना है। ट्विटर पे फॉलो करने के बाद आपको पहली लिंक मिलेगी, वहाँ पे फॉलो करो और जो पिंड पोस्ट है ट्विटर पर, पिंड पोस्ट है उसके नीचे जाके अपने 3 दोस्तों को टैग करो और अपना ट्रॉन का एड्रेस वहाँ पर लीव कर दो, ठीक। और आपको ट्वीट देखिए, बाकी दिख जाएंगे। यहाँ पर मैं चार्ट वगैरह भी डालता हूँ तो आपके लिए काम ही आएगा, तो ट्विटर पर जाकर फॉलो कर लो। अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग एनालिसिस के अंदर। बिटकॉइन की INR में एनालिसिस करने वाला हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़। ये चार्ट जो है बहुत पहले का ड्रॉन है मेरे इस पर, और चैनल पर जो लोग जानते हैं उनको मैंने बहुत पहले बताया था। तो हमारा 2 सिनेरियो मैंने आपको बताया था। इस एक जगह पर जब हम थे तब बिटकॉइन 37 लाख के अराउंड था। 37 लाख के अराउंड मैंने ड्रॉ किया था कि या तो ऊपर एक बाउंस आएगा तो हमें ऊपर की ओर ले जाएगा इन जगहों से, तो दूसरा अगर बाउंस आता है नीचे की ओर तोड़ देते हैं तो हमारा कुछ इस तरह चलेगा। हम नीचे आएंगे, ये देखो नीचे आए, और लेकिन हम नीचे यहीं पर आ गए थे, पहले आ गए थे इस जगह पर, वहाँ से हमने बाउंस किया इस एक अराउंड के, ठीक। बस ये बाउंस हमें ऊपर की ओर इस लेवल के टच करते हुए हमें ले गया ऊपर की ओर, ठीक। एक ये चीज़ है, डाउन ट्रेंड वाला हमारा चार्ट चल रहा है, हालांकि ये जो पॉइंट है वो यहाँ तक का रिटच करने आया था, और ये जो फेप पंप था वो काफ़ी हैवी पंप था यहाँ तक जो लेकर आया था। उसके बाद का हमारा क्या था टच, कि हम नीचे दोबारा से इस जगह पे आएंगे और इस जगह इस बार होल्ड करते हैं कि नहीं वो देखना इम्पॉर्टेंट है। तो ये रेंज कौन सी है, 26 लाख के अराउंड से लेकर 22 लाख के बीच में बिटकॉइन को लेना बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं मैटिक की, तो मैटिक की क्या बात है ज़रा देख लेते हैं। वैसे मैं INR के चार्ट उतने अच्छे नहीं बता पाता हूँ जितना मैंने आपको इस पर बता के रखा है, जो USDT के चार्ट हैं। देखो कितना अच्छा प्ले आउट कर रहे हैं। ये एक एरिया तो हमारा जहाँ से लॉन्ग आपने किया भी होगा तो $300 तक का आपको शॉर्ट में स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट मिला होगा, ठीक। उसके बाद आप नीचे आ गए, यहाँ पर आपका SL इस कैंडल के नीचे रहा होगा 644 पे, तो आपका SL हिट हुआ होगा और नीचे आए होगे तो आपको आराम से प्रॉफिट मिला होगा। और नीचे आने पे अब मेरा क्या जोन है जो मुझे दिख रहा है, आपको इजीली पता है कौन सा जोन है, 35,500 से लेकर 33,400 का हमारा ये जोन है जिसको मैं देखता आ रहा हूँ बहुत दिनों से। और हम लोग बिटकॉइन को कहाँ से ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ से ट्रैक करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ 38K टूटा, अब मुझे इतना मालूम है कि यहाँ से रीटेस्टिक अगर होता है तो हमें यहाँ पर 38 यहाँ से तोड़ के नीचे लाएगा, ठीक, और नीचे ले जाए हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ से फेक पंप एक और मिलता है, आपका सवाल यह है कि हमें क्या यहाँ से फेक पंप मिलेगा, तो वो फेक पंप हमें मिल सकता है कहीं भी यहाँ पे। खैर ये वीडियो बिटकॉइन के ऊपर नहीं थी, मैं भी क्या इधर उधर बात करने लगा, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट मैटिक के एनालिसिस में। मैटिक के बारे में देखते हैं, पहली चीज़ क्या है मैटिक का वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल कहता है कि जो हमारा ये वाला एरिया था बहुत अच्छा था, जहाँ पे मैंने आपको बाइंग भी बताई थी 116 से लेके लगभग 110 के अराउंड, और ब्लैक लाइन ड्रॉन थी उस जगह से मैटिक को नहीं तोड़ना था। हालांकि मार्केट वहीं से क्रैश हो गई, उस जगह से मैटिक को और ऊपर ले जाना था, वहाँ से बाउंस हो जाता एटलीस्ट हमें $161 तक का। लेकिन उस जगह से हम नीचे आ गए और वो टूट के हम कहाँ है, एक नए ब्लैक लाइन पर, जो ऑलरेडी मेरे पे ड्रॉन थी, याद है ये ऑलरेडी ड्रॉन थी। और ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम रेंज है जहाँ पे अच्छे खासे सेलिंग और बाइंग होगी मैटिक की। अब लेकिन मार्केट मुझे यहाँ से नीचे और लग रही है, तो एक और पॉइंट है जो मैटिक को लेने का बन रहा है, वो बन रहा है 72 रुपीज़ से लेके 64 रुपीज़ के बीच का रेंज, और इस एक अराउंड आप यहाँ तक का ले लो 59-58 तक का, 72 से लेकर 58-59 तक का ये एक रेंज हो सकती है जहाँ पर आप मैटिक को उठा सकते हो। तो अगर उठाना हो तो इस जगह पर उठाना, अगर उठाना भी तो एटलीस्ट यहाँ पर, ओके। सो ये एक रेंज अच्छा हो सकता है जहाँ पर मैटिक आ सकता है, यहाँ तक का मुझे उम्मीद है। पर मैटिक का एक चीज़ याद रख लो, मैक्सिमम सेल ऑफ मैटिक में हो गया है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा मतलब नीचे जाने के चांसेस कम है। मान लो नीचे जाता भी है तो आपको 10-20% यहाँ से और लॉस होगा। मान लो यहाँ से कितना बड़ा लॉस हो सकता है, 51 अगर यहाँ से चला गया, ये अभी प्राइस चल रहा है 79, वहाँ से 51 चला गया तो आपका आई थिंक होगा कुछ लॉस आई थिंक, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है।
देखो कितने अच्छे सपोर्ट्स हैं, कितने अच्छे रेजिस्टेंसेस बैठे हुए हैं। पहला तो ये वाला 121, 120, 136 वाला, फिर ऊपर आपका 160 वाला भी बैठा है, फिर ऊपर आपका ऑल टाइम हाई 223 बैठा है। तो मैटिक का एक्यूमुलेशन इस एक एरिया में करना, ये आखिरी हमारा होगा, मतलब आखिरी वो लाइन जो हमें बचा सकती है। वो लाइन कौन सी, 60 रुपीज़ से लेके 72। अगर वो टूट गया तो हम मैटिक को 36 रुपये देखेंगे। वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, याद रखना, क्योंकि देखो वॉल्यूम गैप भी है, उतना हम लोग नीचे आएंगे आराम से सेल ऑफ करने हम लोग आ सकते हैं 30 रुपये के अराउंड की रेंज में। ऐसा ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन मैटिक अगर इस रेंज में कैसा जो है एक्ट करता है वो देखना होगा हमें। कौन सा रेंज है, 74-72 के अराउंड से लेकर 69-59 के अराउंड, ठीक। तो आप मान लो कि 58 रुपीज़ से लेकर 74 रुपीज़ के बीच में मैटिक को कहीं भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वो आखिरी के लिए आप डिम मार्केट में लेकर छोड़ सकते हो लंबे टर्म के लिए। तो ये मैटिक की एनालिसिस थी, वीकली के हिसाब से भी देखा हमने, डेली के हिसाब से भी देखा। आपको जिसके ऊपर वीडियो चाहिए नीचे बताना, ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।